Synergy Physics, where efforts meet success. Hello everyone, welcome to lecture 4 on kinematics. Last lecture में हमने देखा था, अगर हमें कोई position as a function of time देता है, राइट right? वो भी 1D 2D 3D तीनों में देख लिया था, राइट right? अगर हमें कोई पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे देता है, कोई पोजीशन वेक्टर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे देता है, हमने ऐसे लिखा था ना उसको, xt i कैप प्लस yt j कैप प्लस zt k कैप। अगर हमें कोई पोजीशन वेक्टर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे देता है तो हम उससे वेलोसिटी वेक्टर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ला सकते थे। मैंने बोला था वेलोसिटी वेक्टर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम वो होता है समथिंग लाइक दिस, राइट। तो हमें पोजीशन वेक्टर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे दिया था और हमने बोला था देखो अगर हम ऐसा कर देंगे तो हमारे पास ऐसा कुछ तो आ जाएगा, और ये हमारी वेलोसिटी थी, वेलोसिटी थी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, राइट। यहाँ पे xt yt zt है, समझ में आता है तुम लोगों को, है ना। और मैंने बोला था देखो कि वेलोसिटी वेक्टर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं जिसमें मेरा x कंपोनेंट, ये मेरा y कंपोनेंट और हम इसको z कंपोनेंट, हम इसको ऐसा इमेजिन कर सकते हैं। लास्ट लेक्चर में सब देख लिया था, आज के लेक्चर में मैं क्या करना चाहता हूँ, देखो लास्ट के लेक्चर में हमने जब पोजिशन वैक्टर को, राइट, इसको मैंने r से डिनोट किया था, क्या यार r से करो यार s से डिनोट करो कुछ फर्क नहीं पड़ता, है ना, R से डिनोट किया था मैंने इसको। जब हम पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, जब हम पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, तब हमें वेलोसिटी वेक्टर मिला था, राइट। लेकिन हमें पता है कि जो हमारा इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन, राइट, वो क्या होता है, एग्जैक्टली उल्टा प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का, राइट। मतलब अगर मैं वेलोसिटी कब आ रही है, जब मैं पोजीशन वेक्टर को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं तब मुझे वेलोसिटी मिल रही है। तो तुम्हें नहीं लगता क्या जब मैं वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूंगा, जब वेलोसिटी को मैं टाइम पर रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूंगा तब मुझे पोजीशन मिलनी चाहिए। सोच के देखो, देखो जब मैं पोजीशन को डिफरेंशिएट कर रहा था तब मुझे वेलोसिटी मिल रही थी, जब मैं पोजीशन को डिफरेंशिएट कर रहा था तब मुझे वेलोसिटी मिल रही थी। तो मैं अगर वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर दूं तो क्या मुझे पोजीशन मिलना चाहिए क्या? तो आज के लेक्चर में हम वही देखने वाले, राइट। जब हम वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में, जब हम वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं तब हमें पोजीशन वेक्टर मिलता है। ओके, सही है, चलो अच्छे से देख लेते हैं एक बार, ये फंडा समझ में आ रहा है कि देखो हमने देखा हुआ है कि इंटीग्रेशन इज एग्जैक्टली उल्टा प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जब मैं पोजीशन को डिफरेंशिएट कर रहा था तब मुझे वेलोसिटी मिल रही थी, तो मैं वेलोसिटी को इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे पोजीशन मिलना चाहिए। ओके, सही है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में बहुत बार इस पे ये किया हुआ है, अपन ने डिस्कशन किया हुआ है ना। ओके, तो आज के लेक्चर में देखेंगे कि हम वेलोसिटी को इंटीग्रेट कैसे कर सकते हैं, है ना। ओके, चलो देख लेते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, फाइंडिंग पोजीशन व्हेन वेलोसिटी इज गिवन, फाइंडिंग पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम व्हेन वेलोसिटी इज गिवन। ओके, जब वेलोसिटी हमें एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दी हुई है, हमने बोला ठीक है, तो मैं बोलता हूं देखो कि वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मुझे कुछ तो ऐसी दी हुई है, ठीक, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ कोई, ये वन डायमेंशन में, अभी 1D के लिए देख लेते हैं ना, 1D के लिए, ठीक। सेम कंसेप्ट हम 2D और 3D के लिए जनरलाइज कर सकते हैं। एक बार देखो, मुझे वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दी हुई है, ये तो मुझे पूछा गया कि तुम मुझे बताओ कि पोजीशन वेक्टर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा, पोजीशन क्या होगी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो इसको हम x भी लिख सकते हैं, राइट। तो हमें पता है देखो जो हमारा वेलोसिटी होता है वो होता है dx/dt, जो वेलोसिटी होता है वो होता है dx/dt। तो क्या मैं अगर इसको रीअरेंज कर दूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, इसको अगर मैं रीअरेंज कर दूं तो, राइट, जो मेरा dx होगा वो होगा vdt, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो। तो अगर मैं v का dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करता हूं तो x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, और इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, जो भी हमें वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया जाएगा वो हम लिख सकते हैं, राइट। हम बोलेंगे ये t1 से लेकर t2 तक
वी डी टी, इसको देखेंगे, टी वन टी टू को देखेंगे, ये डेफिनाइट इंटीग्रल है ना, जो हमने लेक्चर टू देखा था, राइट, लेक्चर टू देखा था इंटीग्रेशन के ऊपर, उसमें मैंने ये डेफिनाइट इंटीग्रल बताया हुआ, ये जो टेल के ऊपर अपर लिमिट, सॉरी लोअर लिमिट और अपर लिमिट होता है, उसका क्या सिग्निफिकेंस होता है, राइट। तो क्या मैं कह सकता हूं, क्या मैं कह सकता हूं, जो मेरा x है, x, राइट, जो मेरा x है वो है इंटीग्रेशन t1 से लेकर t2 तक वेलोसिटी dt। ये आ गया हमारे पोजीशन फाइंड करने का फॉर्मूला। तो जब हमें वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया जाएगा, जब वेलोसिटी, देखो यहां पे वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है ना, तो मैं क्या कर सकता हूं, इस चीज को अगर dt के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करता हूं t1 से लेकर t2 तक, तो मुझे क्या आ जाएगा, x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा, सही है, ओके, ठीक है। तो करके देखते हैं एक बार, मैं हटा रहा हूं, है ना, ये सब लिख लेना अच्छे से, है ना, तुम लोग लिख लेना अच्छे से कॉपी में, समझ के करो, ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, बट कॉपी में रिवीजन के लिए चाहिए ना, ओके। तो मैंने बोला देखो, मैं इस चीज को, राइट, अगर मैं एक्स निकालना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, जीरो से टी पे, जीरो से टी पे इस चीज को इंटीग्रेट करने की कोशिश करूंगा, ओके। और जब हमें वेलोसिटी दी जाएगी क्या, तब हमें और एक कंडीशन भी दी जाएगी साथ में, कि देखो इस पॉइंट पे पोजीशन ऐसी ऐसी थी, इसका रीजन क्यों, अच्छा ये मत लिखना, उसके पहले मैं थोड़ा सा डिस्कशन करता हूं, है ना, थोड़ा सा डिस्कशन करता हूं। क्या हमने इनडेफिनाइट इंटीग्रल में जो सबसे पहली चीज सीखी थी, सॉरी डेफिनाइट इंटीग्रल में, डेफिनाइट इंटीग्रल के फर्स्ट लेक्चर में, जो डेफिनाइट इंटीग्रल का ये लेक्चर था, उसमें मैंने पहले पोर्शन में बोला था कि देखो जब हम इनडेफिनाइट इंटीग्रल करते हैं तब हमें साथ में कांस्टेंट आता है, और उस कांस्टेंट की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, ऐसी कोई चीज पढ़ाई थी क्या मैंने, राइट। अगर मैं इस चीज को टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करता हूं, इस चीज को अगर मैं टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करता हूं, तो इसका क्या आना चाहिए, देखो ये टी क्यूब बाई थ्री प्लस टी स्क्वायर बाई टू प्लस टी प्लस सी, ऐसा कुछ आएगा क्या, या ऐसा आएगा ना, मैं बोलूंगा देखो दिस इज माई एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टी, पहले इंडेफिनाइट इंटीग्रल कर रहा हूं, राइट। और मैंने उस लेक्चर में क्या ऐसा बताया था कि हम सी की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं, हम सी की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं अगर मुझे एक्स कुछ वैल्यू पे इसकी वैल्यू दी जाए, कुछ अगर मुझे बोला जाए कि देखो मेरा एक्स ऑफ जो जीरो था, मतलब टी इक्वल्स जीरो पे मेरा पार्टिकल एक्स इक्वल्स टू पे था, टी इक्वल्स जीरो पे अगर मेरा एक्स पार्टिकल एक्स इक्वल्स टू पे था, तो क्या मैं सी की वैल्यू निकाल सकता हूं, जो इंटीग्रेशन के साथ कॉन्स्टेंट आता है, निकाल सकता हूं। देखो इसमें जीरो डालो, एक्स ऑफ जीरो कितना आएगा, एक्स ऑफ जीरो, एक्स ऑफ जीरो आएगा जीरो क्यूब बाय थ्री प्लस जीरो स्क्वायर बाय टू प्लस जीरो प्लस सी, और ये कितना दिया हुआ है, हमें टू दिया हुआ है, तो क्या मेरी सी की वैल्यू आ गई क्या, देखो इससे क्या आता है, मेरा सी टू आ गया, राइट, सी टू आ गया, तो क्या मेरा एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टी आ गया क्या, एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टी आ गया, देखो टी क्यूब बाय थ्री प्लस टी स्क्वायर बाय टू प्लस टी प्लस टू, दिस इज माई पोजिशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। चाहे तो इसको इंटीग्रेट करके देखो तुम्हें यही आ रहा है क्या, राइट। तो अगर मुझे वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दी जाए और मुझे पोजिशन कोई भी एक पॉइंट पे दी जाए, ये हमें कहां पे हेल्प करने वाला है, ये हमें हेल्प करने वाला है जो कॉन्स्टेंट आता है ना इंटीग्रेशन के साथ, वो निकालने में, सही है। और एक एग्जाम्पल देता हूं, कोई नहीं, देखो एग्जैक्टली उल्टा प्रोसेस है, जब हमने पोजिशन से वेलोसिटी निकाली थी, अब हम वेलोसिटी से पोजीशन भी तो निकाल सकते हैं, राइट, वेलोसिटी से पोजीशन भी तो निकाल सकते हैं, चलो निकाल के देखते हैं। और एक एग्जांपल में, वन डी वाले एग्जांपल करूंगा अभी, है ना, एग्जांपल करते, देखो मुझे बोला गया माय वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज थ्री टी स्क्वेयर प्लस टू टी प्लस टू, ऐसा कुछ तो दिया हुआ है, राइट। और मुझे बोला गया कि जो मेरा पोजीशन है, पोजीशन, पोजीशन टी इक्वल्स टू सेकेंड पे, टी इक्वल्स टू सेकेंड पे मेरी एक्स एक्स की वैल्यू, मतलब मेरी पोजीशन एक्स एक्सिस पे मेरी पोजीशन थी 4 मीटर, राइट, ये हमें कंडीशन दी गई है। अब हमें बोला गया फाइंड पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, अब हमें क्या दिया हुआ है, देखो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, हमें पूछा है पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दो, और कंडीशन क्या दी उन्होंने, जब मेरा टी इक्वल्स टू सेकेंड था तब मेरा एक्स 4 मीटर था, ऐसा बोला,
हमने, ठीक है, हमने बोला देखो जो मेरा x होता है, x वो होता है इंटीग्रल v एज अ फंक्शन ऑफ t dt, राइट। v एज अ फंक्शन ऑफ t dt क्या होगा, इंटीग्रेशन 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2। इसका इंटीग्रेशन क्या आता है, फटाक से करो, देखो इसका इंटीग्रेशन t क्यूब प्लस t स्क्वायर प्लस 2t प्लस c आ रहा है क्या, तो क्या ये मेरा x एज अ फंक्शन ऑफ t आ गया क्या, देखो। लेकिन अभी हमें इस c की वैल्यू निकालनी है, राइट, इस c की वैल्यू हमें ढूंढनी है। तो c की वैल्यू कैसे आती है, मुझे कंडीशन क्या दी है, मुझे क्या बोला गया, जब मेरा t इक्वल्स 2 सेकंड था, जब मेरा t इक्वल्स 2 सेकंड था तब मेरा x 4 मीटर था, तो क्या अगर मैं इसमें t को 2 डालूंगा तो x 4 आ जाएगा क्या, राइट। तो देखो इसमें t इक्वल्स 2 डालो, 2 डालोगे तो कितना आएगा, देखो 8 प्लस 4 प्लस 4 प्लस c इक्वल्स 4, तो c की वैल्यू यहां से आ जाएगी क्या, देखो c माइनस 12 आ रहा है, माइनस 12 c की वैल्यू आ गई। तो क्या अब मेरा x एज अ फंक्शन ऑफ t आ गया क्या, बस c की वैल्यू यहां पे पुट कर दो, तो x एज अ फंक्शन ऑफ t क्या हो जाएगा मेरा, t क्यूब प्लस t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 12। अब मेरे पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन आ गई, देखो अब मेरे पास कंप्लीट एज x एज अ फंक्शन ऑफ t आ गया, कुछ नहीं करना है, जो लास्ट में हमने डिफरेंशिएट किया था अब बस हम इंटीग्रेट करके पोजीशन निकाल सकते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, राइट, पोजीशन निकाल सकते हैं टाइम के फंक्शन में, ओके, सही है। दो तीन एग्जांपल दे दूं, है ना, हमें जो कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, कांस्टेंट की वैल्यू वो कैसे हेल्प कर सकती है, अगर हमें किसी पॉइंट पे एक्स की वैल्यू दी जाए, अगर हमें किसी पॉइंट पे एक्स की वैल्यू दी जाए तो हम कांस्टेंट की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं, सही है, ओके। और एक एग्जांपल दे दे, अब तुम करो, तुम करके देखो, मैं दो तीन एग्जांपल देता हूं, फटाक से करके देखना, है ना, ठीक है, ओके। एग्जांपल नंबर वन, हमें दिया गया है v एज अ फंक्शन ऑफ t, वो दिया गया है 2t प्लस 1, राइट, और हमें और एक चीज दी गई है, t इक्वल 0 पे मेरा x था 5 मीटर, t इक्वल 0 पे मेरा x 5 मीटर था, तो हमें बोला गया कि पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ t निकालो, हमें क्या बोला गया, x एज अ फंक्शन ऑफ t निकालो, सही है। देखो हमें वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दी हुई है, तो क्या मैं पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल सकता हूँ क्या, निकाल सकता हूँ ना, ओके। एग्जांपल टू, मुझे बोला गया देखो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ये दी गई है 4t स्क्वायर प्लस t प्लस 2, और t इक्वल्स 0 पे मेरा x 1 था, 1 मीटर था, तो मुझे बताओ कि मेरा x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कितना आएगा। ये दो क्वेश्चन जल्दी से ट्राई करो, चलो वीडियो को पॉज करना है और इन दो क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश करनी है, ईजी है, राइट, बहुत ईजी है। अभी अभी हमने दो तीन क्वेश्चन कर लिए और हमने इंटीग्रेशन में बहुत सारे क्वेश्चन किए हुए ऐसे वाले, राइट, अगर तुमने इंटीग्रेशन की डीवीपी की होगी उसमें भी ऐसे क्वेश्चन थे, राइट, जल्दी से सॉल्व करो, चलो चलो। आई होप तुमने वीडियो को पॉज करके एक्स टी दोनों के निकाल लिए होंगे। देखो पहला एग्जाम्पल में मैं अब पूरा एकदम डिटेल नहीं करूंगा, पहले एग्जाम में इंटीग्रेशन क्या आएगा, देखो इंटीग्रेशन वी डी टी कितना आएगा, वो आएगा टी स्क्वायर प्लस टी प्लस सी, राइट। हमें कंडीशन क्या दी है, देखो टी इक्वल जीरो पे एक्स फाइव था, इसमें टी जीरो डालो, टी जीरो फाइव हो गया तो सी फाइव आएगा क्या, फाइव, तो राइट सी की वैल्यू आ गई, तो मेरा जो एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टी क्या आया, एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टी कितना आया, टी स्क्वायर प्लस टी प्लस फाइव, सही है। चाहो तो इसको डिफरेंशिएट करके देखो यही फंक्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ओके। एग्जाम्पल टू का सोल्यूशन कैसे आएगा, हम करेंगे इंटीग्रेशन वी डी टी, इस चीज को अगर मैं टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करता हूं तो मुझे क्या मिल रहा है, 4t क्यूब बाय 3 प्लस टी स्क्वायर बाय 2 प्लस 2t प्लस c। लेकिन हमें क्या दिया हुआ है, हमें कंडीशन दी हुई है, देखो t इक्वल 0 पे x 1 था, इसमें t 0 डालो, t 0 डालोगे तो मेरी c की वैल्यू 1 आ गई क्या, c की वैल्यू 1। नॉट नेसेसरी टी इक्वल जीरो पे एक्स की वैल्यू दी होगी, टी इक्वल कुछ भी वैल्यू पे अगर हमें एक्स की वैल्यू दी होगी तो क्या मैं सी की वैल्यू डिटरमाइन कर सकता हूँ क्या, कर सकता हूँ ना, राइट। तो ऐसे टाइप के एग्जाम्पल्स आएंगे तो तुम्हें प्रॉब्लम नहीं जानी चाहिए, ओके। देखो ये हो गया 1D में, 2D में कैसे होगा, सेम कंसेप्ट 2D में लगेगा, करके देखते हैं, राइट। जो भी कंसेप्ट तुम 1D में लगाते हो ना, बस वो 2D में कंसेप्ट कैसे लगेंगे, अलग अलग एक्सिस के अलॉन्ग लगेंगे, मतलब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग अलग, वाई एक्सिस के अलॉन्ग अलग और जेड एक्सिस के अलॉन्ग अलग, राइट, ओके। 2D में देखते हैं, 2D में, राइट, 2 डायमेंशन में कैसे होगा, देखो 2 डायमेंशन में मेरा वेलोसिटी वेक्टर कैसे होगा,
वो कुछ ऐसा होगा क्या, देखो ये होगा वेलोसिटी एक्स आई कैप प्लस वेलोसिटी वाई जे कैप। और अगर मुझे कोई बोलता है इससे मुझे आर एज अ फंक्शन ऑफ टी निकाल के दो, तो हम बोलेंगे आर एज अ फंक्शन ऑफ टी होगा वी वेक्टर एज अ फंक्शन ऑफ टी डी टी। तो हम क्या करेंगे, हम इंडिविजुअली वी एक्स डी टी आई कैप प्लस इंटीग्रेशन वी वाई डी टी जे कैप ऐसा लिखेंगे। बस मैंने क्या कर दिया, जो भी इंडिविजुअल कंपोनेंट होंगे उनको x के एक इंटीग्रेशन डाल दो और y पे एक इंटीग्रेशन डाल दो। एग्जाम्पल लिखोगे ज्यादा समझ में आएगा। ओके बस इस फॉर्मूले को एक बार नोट कर लो, फॉर्मूले से नोट करने साथ इस फॉर्मूले को समझो क्या है। जो भी हमें वी एक्स एज अ फंक्शन ऑफ t दिया होगा, जो भी i कंपोनेंट में हमें t का फंक्शन आएगा उसको मैं इंटीग्रेट करूंगा, जो भी y में आएगा मैं उसको इंटीग्रेट करूंगा और मैं बोलूंगा देखो मेरे पास पोजिशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया। ओके नोट डाउन कर लिया। 2D का एग्जाम्पल देखते हैं, ईजी है, बहुत ईजी है ना, बस वेक्टर के साथ और कैलकुलस के साथ थोड़ा सा कॉम्बिनेशन करके कंसेप्ट को ट्विस्ट करने की कोशिश की गई है। ओके मैं क्या बोलता हूं, अगर मेरा वेलोसिटी वेक्टर, एग्जांपल कर रहे हैं अपन 2D का, अगर मेरा वेलोसिटी वेक्टर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कुछ ऐसा है 3t स्क्वायर आई कैप प्लस 2t जे कैप ऐसा दिया हुआ है और मुझे कंडीशन क्या दी गई, t equals 1 second पे जो मेरा पोजीशन वेक्टर था वो था 3i कैप प्लस 4j कैप। मतलब जब t equals 1 second था तब मेरा पार्टिकल यहां पे था, यहां पे। ओके हमने बोला सही है, तो हम पोजीशन वेक्टर कैसे निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर एज अ फंक्शन ऑफ t कैसे आएगा, इंटीग्रेशन v वेक्टर एज अ फंक्शन ऑफ t dt। ये देखो ये भारी भारी फॉर्मूले दिख रहे हैं, बस बेसिकली इंटीग्रेशन है ना, बस इंटीग्रेशन करना है हमें इनका सेपरेटली। तो ये कैसे आएगा, हम बोलेंगे देखो 3t स्क्वायर dt i कैप प्लस 2t dt j कैप, मतलब इस इंटीग्रल को इवैल्यूएट करो, इस इंटीग्रल को इवैल्यूएट करो। तो क्या आएगा, देखो r एज अ फंक्शन ऑफ t कितना आएगा, t क्यूब प्लस c i कैप प्लस टी स्क्वेयर, देखो इसको C1 बोलो, इसको C2 बोल देता हूँ, C2 जे क्या। अब मुझे C1 और C2 की वैल्यू कैसे आएगी, देखो हमें बोला गया जब मेरा t इक्वल्स 1 सेकंड था तब मेरा पोजीशन वेक्टर 3 प्लस 4 था, t को 1 डालूंगा तो देखो मेरा क्या आएगा, r एट t इक्वल्स 1 कितना दिया हुआ है हमें 3, 4, तो t इक्वल्स 1 डालोगे कितना आएगा, 1 प्लस C1 i कैप प्लस 1 प्लस C2 जे कैप, बराबर क्या दिया हुआ है हमें 3i प्लस 4j कर दो, 3i कैप प्लस 4j कैप। तो क्या मैं यहां से C1 और C2 की वैल्यूज निकाल सकता हूं क्या, C1 और C2 की वैल्यूज क्या आएगी, देखो C1 की वैल्यू आएगी 2i कैप, C2 की वैल्यू आएगी 3j कैप, तो कितना आएगा, देखो C1 आया 2i कैप और मेरा C2 आया 3j कैप, सॉरी C1 2 आया आई कैप जे कैप नहीं आएंगे ना, C1 और C2 की कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज आएगी ना, C1 आया 2, C2 आया 3। अब बस C1 और C2 को इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो क्या मेरा R एज अ फंक्शन ऑफ T आया क्या, देखो R एज अ फंक्शन ऑफ T कितना आया, देखो T3 प्लस C1 था, C1 की वैल्यू 2 है ना, तो ये आया T3 प्लस 2i कैप प्लस T2 प्लस C2, C2 की वैल्यू कितनी आई अपनी 3 आई ना, T2 प्लस 3j कैप। ये देखो मेरा R एज अ फंक्शन ऑफ T आया। और अगर मैं इस चीज को डिफरेंशिएट करता हूं टाइम के रिस्पेक्ट में तो मुझे वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिलनी चाहिए, मुझे ये मिलना चाहिए अगर इस चीज को डिफरेंशिएट करता हूं, और इस चीज को मैं इंटीग्रेशन करता हूं इस कंडीशन के साथ तो मुझे आर एज अ फंक्शन ऑफ टी ऐसा मिलना चाहिए। ओके सही है, इजी है। तो क्या सेम कंसेप्ट मैं 3D में भी कर सकता हूं, राइट 2D के लिए देख ले, अब 3D के लिए देख लेते, 3D में बस जेड वाला कंपोनेंट ऐड हो जाएगा, 3D में बस जेड वाला कंपोनेंट ऐड हो जाएगा। नोट्स को अच्छे से लिखना है ना, जब प्रॉब्लम्स करेंगे कहीं पे भी अटकोगे तो एक बार नोट्स में उस टाइप का क्वेश्चन मिल जाएगा तुम्हें। 3D में कैसे होगा तुम सोच के देखो जरा, 3D में कैसे होगा, 3D में अगर मुझे वेलोसिटी वेक्टर कैसा होता है, देखो vx i कैप प्लस vy j कैप प्लस
वी जेड के क्या, वॉट इज वी एक्स वी वाई वी जेड, वी एक्स वी वाई वी जेड आर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस वाई एक्स जेड एक्सिस। ओके, मान लो कि ये चीज हमें एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दी हुई है, तो मैं बोलूंगा मेरा पोजिशन वैक्टर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम वो क्या होगा, होगा इंटेग्रल वी वैक्टर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम डी टी। हम इसको कैसे लिख सकते हो, देखो तीन इंटेग्रल आएंगे ना यहाँ पे, वी एक्स डी टी आई कैप प्लस इंटेग्रल वी वाई डी टी जे कैप प्लस इंटेग्रल वी जेड डी टी के कैप। सही है, बस तीन इंटीग्रेशन आ गए, 1D में एक था, 2D में दो थे, 3D में थ्री आ गए। देखो ये एक इंटीग्रेशन जो आई कैप के साथ आ रहा है, ये एक इंटीग्रेशन जो जे कैप के साथ आ रहा है, और ये एक इंटीग्रेशन जो के कैप के साथ आ रहा है, राइट। और हमें कंडीशन दी हुई है, जब हमें कंडीशन दी जाएगी क्वेश्चन में कि इस टाइम पे मेरा पोजिशन वैक्टर ऐसा था, तो क्या मैं पोजिशन वैक्टर प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। ओके, चलो करके देखते हैं। 3D के लिए लिख लिया गया, ईजी है राइट, 2D जैसा ही है, ऐसा कुछ ज़्यादा रटने वाली बात नहीं है ना। ओके चलो भैया देख लेते हैं। मैंने बोला एग्जांपल देखते, एक 3D का है ना, मेरा वेलोसिटी वेक्टर है t4 i कैप t5 j कैप और t6 k कैप, मुझे ऐसा कुछ तो दिया हुआ है राइट। और मुझे बोला गया जब मेरा t इक्वल 0 सेकेंड था, जब मेरा t इक्वल 0 सेकेंड था तब मेरा पोजीशन वेक्टर था i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप। तो मुझे बताओ कि अगर ये मेरी वेलोसिटी है तो व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। हमने बोला ठीक है, हमें पता है कि पोजीशन वेक्टर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम वो कितना आएगा। देखो इसको ऐसे लिख दूं क्या मैं, 2D के जैसे, इसमें कितने टर्म आएंगे, तीन टर्म आएंगे ना। ओके, इसको इंटीग्रेट करो, कितना आ रहा, आर एज अ फंक्शन ऑफ टी, इसमें कितने कॉन्स्टेंट्स आएंगे, तीन कॉन्स्टेंट्स आएंगे ना। देखो ये आएगा टी की पावर 5 अपॉन 5 प्लस c1 आई कैप प्लस टी की पावर 6 अपॉन 6 प्लस c2 जे कैप प्लस टी की पावर 7 अपॉन 7 प्लस c3 के कैप। ओके, क्या मैं c1 c2 c3 की वैल्यू कैसे प्रेडिक्ट करूंगा, मैं बोलूंगा देखो मेरा t इक्वल 0, अगर मैं इसमें t इक्वल 0 डालता हूं तो मुझे i 2 और 3 ऐसे मिलने चाहिए, क्यों, t इक्वल 0 पे मेरा पोजीशन वेक्टर क्या दिया हुआ ऐसे, तो अगर मैं इसमें t इक्वल 0 डालता हूं तो मुझे सेम पोजीशन वेक्टर मिलना चाहिए। तो अगर मैं इसमें डालूंगा तो मुझे मिल जाएगा, देखो c1 की वैल्यू मिलेगी 1, करके देखना, c2 की वैल्यू मिलेगी 2 और c3 की वैल्यू मिलेगी 3। अगर मैं c1 c2 c3 की वैल्यू इसमें डालता हूं तो क्या मुझे पोजीशन वेक्टर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल गया, क्या मिल गया, सही है। तो अगर तुम्हें कोई भी वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम देता है तो तुम पोजीशन निकाल सकते हो क्या, निकाल सकते हो ना राइट, इजी स्टफ, बहुत इजी। ओके, नोट डाउन कर लो जल्दी से, चलो फटाक से नोट डाउन करना है। चलो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि तुमने नोट डाउन कर लिया है ना। ओके, तो कुछ एग्जाम्पल दे दो क्या तुम्हें सॉल्व करने के लिए, कर लोगे क्या, चलो एक एक एग्जाम्पल देता हूं, एक 1D का, एक 2D का और एक 3D का, है ना, उससे थोड़ी सी और फील आएगी। एक बार खुद से ट्राई करो, नहीं बनता है तो मैं तो सॉल्व करके दे ही दूंगा तुम लोगों को, है ना, मेरे पे रिलायबिलिटी कम करनी, क्योंकि एग्जाम में मैं नहीं आने वाला हूं तुम्हारे साथ, बस अभी सीखना है मेरे से राइट, एप्लीकेशन खुद करना सीखना है। ओके, 1D 2D 3D का एग्जाम्पल देता हूं मैं, देखो एग्जाम्पल 1, मैं तुम्हें बोलता हूं अगर मुझे वेलोसिटी दी हुई है t³ प्लस t+1 और मुझे एक कंडीशन दी हुई है कि मेरा t इक्वल्स 2 सेकेंड पे x था 5 मीटर, t इक्वल्स 2 सेकेंड पे x 5 मीटर था, तो मुझे बताओ x एज अ फंक्शन ऑफ t, यहाँ पे क्या निकालना है, x एज अ फंक्शन ऑफ t कितना होगा राइट, x एज अ फंक्शन ऑफ t कितना होगा। दूसरा एग्जांपल वो होगा 2D का, मैं बोलूंगा अगर मुझे वेलोसिटी वेक्टर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कुछ ऐसा दिया हुआ है,
और टी इक्वल जीरो पे, टी इक्वल जीरो सेकेंड पे मेरा जो पोजिशन वैक्टर था वो था आई कैप प्लस जे कैप, वो था आई कैप प्लस जे कैप। मुझे बताओ पोजिशन वैक्टर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कितना आएगा। ये हो गया सेकेंड क्वेश्चन, ये टू डी का क्वेश्चन हो गया। देखो टी स्क्वेयर प्लस टू आई कैप, टी स्क्वेयर प्लस थ्री जे कैप, दिस इज थ्री है ना, टी स्क्वेयर प्लस थ्री जे कैप, और ये टी इक्वल जीरो सेकेंड पे मेरा पोजिशन वैक्टर था आर। तो मुझे बोला है कि मेरा जनरल पोजिशन वैक्टर निकालो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ओके एग्जाम्पल थ्री, अपन थ्री डी का दे देते हैं। मैं बोलता हूँ मेरा वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम वो दिया हुआ है टी स्क्वेयर प्लस टी प्लस वन आई कैप थ्री टी जे कैप और फोर टी स्क्वेयर के कैप। और मुझे बोला गया कि जब टी इक्वल्स वन सेकेंड था, जब टी इक्वल्स वन सेकेंड था, नहीं टी इक्वल जीरो लिखो, टी इक्वल जब जीरो सेकेंड था तब मेरा पोजिशन वैक्टर आया, तब मेरा पोजिशन वैक्टर आया आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस टू के कैप। इसमें मुझे बोलना है कि मेरा पोजिशन वैक्टर एज अ फंक्शन ऑफ टी निकाल के बताओ। ओके वीडियो को पॉज करो और तीनों क्वेश्चन को एक बार खुद से करने की कोशिश करो, मैं तो करके बता ही दूंगा, ठीक है। मैं एकदम शॉर्ट में आंसर बताने वाला हूँ क्योंकि अपन ने डिटेल में सॉल्व करके ले लिया ना, अब बस मैं हिंट देते जाऊंगा कि कैसे कैसे करना है। ओके पॉज करके खुद से ट्राई करना है, कर लिया गया, मैं बताऊँ अभी। देखो इसको इंटीग्रेट करो टाइम के रिस्पेक्ट में, इसको इंटीग्रेट करो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो इंटीग्रेशन क्या आएगा, मैं यहाँ पे जल्दी से कर रहा हूँ ना, टी की पावर फोर प्लस टी स्क्वेयर बाई टू प्लस टी प्लस सी। हमें टी इक्वल्स टू सेकेंड पे वैल्यू दी हुई है एक्स इक्वल्स फाइव मीटर, तो टी इक्वल्स टू डालने पे सी की वैल्यू आ जाएगी क्या, सी की वैल्यू कितना आएगा, देखो टी को टू डालता हूँ तो सिक्सटीन बाई फोर फोर प्लस टू प्लस टू प्लस सी इक्वल्स फाइव, तो सी की वैल्यू कितनी आई मेरी फोर फोर एट, सी आया माइनस थ्री, तो सी की वैल्यू माइनस थ्री डाल दो यहाँ पे, तुम्हारा आ गया एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टी। एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टी कितना आएगा, टी फोर बाई फोर प्लस टी स्क्वायर बाई टू प्लस टी माइनस थ्री माइनस थ्री। ओके फर्स्ट क्वेश्चन हो गया सॉल्व, देखो कितने जल्दी हो गया ना, 10 सेकंड में हो गया ना सॉल्व। ओके सेकंड वाला कैसे करेंगे, सेकंड वाला एक्स और वाई को अलग अलग इंटीग्रेट करो, एक्स और वाई को, इसको इंटीग्रेट करूंगा तो क्या मिलेगा, इसको इंटीग्रेट करूंगा तो मिलेगा टी क्यू बाई थ्री प्लस टू टी प्लस सीवन, या आ गया आई कैप। इसको इंटीग्रेट करूंगा तो क्या मिलेगा, इसको इंटीग्रेट करूंगा मिलेगा टी फोर बाई फोर प्लस थ्री टी प्लस सी टू जे कैप। क्या मुझे टी इक्वल जीरो पे आर वेक्टर दिया हुआ है क्या, टी इक्वल जीरो डालो आर वेक्टर तो सी वन और सी टू की वैल्यू आ जाएगी। देखो तुम अगर डालोगे ना तो तुम्हें पता चलेगा सी वन वन आ रहा है और सी टू मेरा वन आ रहा है, तो सी वन और सी टू को यहाँ पे डाल दो, तुम्हारा पोजिशन वैक्टर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया। सही है, बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, ये बस तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए करा रहा हूँ। और एक कर दे लास्ट वाला कैसे होगा, बस तीनों को अलग अलग इंटीग्रेट करते जाओ। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन आएगा टी क्यूब बाई थ्री प्लस टी स्क्वेयर बाई टू प्लस टी प्लस सीवन, ये हो गया आई कैप का कंटोमेंट, प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा थ्री टी स्क्वेयर बाई टू प्लस सी टू राइट जे कैप, प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा फोर टी क्यूब बाई थ्री प्लस सी थ्री के कैप। क्या मैं सी वन सी टू सी थ्री की वैल्यूज निकाल सकता हूँ क्या, निकाल सकता हूँ ना, कैसे निकाल सकता हूँ, टी इक्वल जीरो डालो राइट हर जगह पे, तो और इस वेक्टर के साथ इक्वेट कर दो, क्यों मुझे टी इक्वल जीरो पे मेरा पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, तो लो आ गया मेरा पोजीशन वेक्टर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तुम्हें बस सी वन सी टू सी थ्री की वैल्यूज निकालनी, वो कैसे निकालेंगे, दो तीन क्वेश्चन कर लिया इसके ऊपर है ना, ठीक है निकाल के चेक करो। और अगर मैं इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करता हूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए, मेरी वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ओके सही है, अच्छा ये हो गया जब मुझे वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दी हुई है। जरूरी है क्या हमेशा हमें वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दी हुई है, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजिशन भी तो दी जा सकती है, कैसे एक बार देखते हैं ना। फाइंडिंग पोजिशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम व्हेन वेलोसिटी इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम था। अब मैं बोलता हूं कि जब वेलोसिटी हमें एज अ फंक्शन ऑफ पोजिशन दिया जाएगा तब कैसे करेंगे,
तब सही है, हमें इंटीग्रेशन का नॉलेज यूज करना पड़ेगा थोड़ा सा। मतलब एक एग्जांपल बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ जो मेरा वी है, वी वो पोजीशन के साथ ऐसे वैरी कर रहा है, कुछ ऐसे, ठीक है, पोजीशन के साथ कुछ ऐसे वैरी कर रहा है। मुझे बोला गया कि तुम मुझे बताओ कि मेरी पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कैसे वैरी करती है, मेरी पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कैसे वैरी करती है। अब कैसे करोगे? अच्छा, इसका मतलब क्या है, ये इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन कैसे होगा? इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऐसे होगा, देखो ये x इक्वल 0 है, ये x इक्वल 1 है, ये x इक्वल 4 है मानो, है ना। तो मैं बोलूंगा जब मैं x की वैल्यू यहां पे डालूंगा तो मुझे, जब मेरा x यहां पे होगा तब मैं ये मुझे इसकी वेलोसिटी देगा। ओके, x इक्वल 0 डालूंगा तो मुझे वेलोसिटी क्या मिल रही है? वेलोसिटी 0 मिल रही है, मतलब यहां पे 0 वेलोसिटी है। x इक्वल 1 पे वेलोसिटी कितनी है? वेलोसिटी 2 है, मतलब ये जब x इक्वल 1 पे था तो ये पार्टिकल 2 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा था, राइट। x की वैल्यू अगर मैं 4 डालूंगा तो मेरी वेलोसिटी कितनी मिल रही है? 4 मिल रही है। तो x इक्वल्स 4 पे ये 4 मीटर पर सेकंड से ऐसे जा रहा था। तो क्या मैं वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन बोल सकता हूं? क्या मैं इसको क्या बोलूंगा? वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन, एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन, राइट। x मेरी पोजीशन है ना, तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन दिया जाएगा। तब मैं पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कैसे निकाल सकता हूं? ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है, इसको सोचना पड़ेगा, विजुअलाइज करना पड़ेगा। ये विजुअलाइजेशन तो आ गया ना, ये बताता क्या है फिजिकली, इसका इंटरप्रिटेशन क्या है? वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन दी जाएगी, मतलब तुम पोजीशन की वैल्यू डालते जाओगे तो तुम्हें उस पोजीशन पे वेलोसिटी की वैल्यू मिलती जाएगी। ओके, सही है। चलो देखते हैं, थोड़ा सा इंटीग्रेशन के साथ खेलेंगे, क्लोजली ऑब्जर्व करना। मैं बोलूंगा देखो जो मेरा वेलोसिटी होता है वो होता है dx by dt, राइट। जब मुझे v एज अ फंक्शन ऑफ x दिया जा रहा है, v एज अ फंक्शन ऑफ x दिया रहा है, राइट, v एज अ फंक्शन ऑफ x दिया जा रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको ऐसे अरेंज करूंगा। देखो मैं इसको ऐसे अरेंज कर सकता हूं क्या? अब इस चीज का मुझे इंटीग्रेशन आता है, अगर vx x है तो dx अपॉन x का मुझे इंटीग्रेशन आता है कि नहीं आता है? तो जब भी हमें वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x दी जाएगी हम ये चीज निकाल सकते हैं। ओके, कैसे निकालेंगे? देखो निकाल के देखते हैं, है ना। इसी के लिए देखो, इसको मैंने अरेंज कैसे किया वो देख लो, है ना। रीअरेंज कैसे किया है? dx by dt था, मैं dt को इधर लेके गया, जो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x दिया था उसको नीचे लेके गया। अब मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर रहा हूं, इस एग्जांपल को देखेंगे तो और क्लियरिटी आएगी, ठीक है। ओके, तो मैं इसको लिखूंगा, देखो मेरा dx by dt जो मेरा वेलोसिटी होता है वो हमें कितना दिया हुआ है? 2 root x दिया हुआ है ना। तो मैंने क्या किया, मैं बोलता हूं देखो मैं इसको ऐसा लिख दूंगा, dx upon 2 root x equals dt, ऐसा लिख सकता हूं ना। देखो 2 root x को मैं इधर लेके आया, dt को उधर लेके गया। अब इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करते हो तो मुझे क्या मिलेगा? देखो 1/2 root x क्या चीज का इंटीग्रेशन होता है? डिफरेंशिएशन होता है, रूट एक्स का होता है, राइट। जब तुम रूट एक्स को डिफरेंशिएट करते हो तो तुम्हें 1/2 root x मिलने वाला है। तो मैं 1/2 root x को इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे रूट एक्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा, राइट। तो यहां पर मुझे मिलेगा रूट एक्स इक्वल्स इंटीग्रेशन, ये देखो 1 dt है, इंटीग्रेशन 1 dt, तो मैं इसको t+c ऐसा लिखू क्या, राइट, इंटीग्रेशन t+c। और मैं अब इस कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकाल सकता हूं? मुझे कोई तो भी पर्टिकुलर टाइम पे पोजीशन दिया जाएगा, इस पोजीशन पे इतना टाइम, मतलब मुझे बोला जाएगा कि देखो जब मेरा t=1 था, कंडीशन ऐसे दी जाएगी, जब मेरा t=1 second था, t=1 second था तब मेरा x भी 1 था। तो क्या यहां से मुझे c की वैल्यू आ जाएगी क्या? देखो t की वैल्यू 1 डालो, t=1 पे x की वैल्यू 1 डालो तो कितना मिलेगा? देखो √1 = 1+c, तो c की वैल्यू क्या आ गई? 0। तो मैं बोलूंगा देखो √x = t, इसी को मैं x = t² ऐसे लिख सकता हूं। देखो मेरा पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया, पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम,
इस एग्जाम्पल को देखो, दूसरा वाला एग्जाम्पल मैं थोड़ा सा और नीट देता हूं, ओके चलो करके देखते हैं। बस हमें क्या दिया जाएगा, हमें वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजिशन दी जाएगी, तो क्या मैं उससे वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल सकता हूं क्या? इसलिए मैंने बोला था कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन अच्छे से पढ़ना है, नहीं तो आगे दिक्कत जाएगी। बोला था ना कितनी बार, चिल्ला चिल्ला के बोला था, वेक्टर्स अच्छे से पढ़ लो, मैथमेटिकल टूल्स को अच्छे से पढ़ लो, बट सुनते नहीं थे मेरे। अब समझ में नहीं आ रहा होगा, है ना? अगर समझ में नहीं आता है तो एक बार मैथमेटिकल टूल्स को रिवाइज कर लेना, ओके ठीक है। मैं तुम्हें बोलता हूं, अगर मुझे वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजिशन दी हुई है और वो कुछ ऐसे दी हुई है, राइट, तब मुझे बताओ, और एंड मुझे कंडीशन दी है t equals 1 पे मेरा x था 5 मीटर, मेरा x था 5 मीटर, 5 नहीं कुछ 4 ले लो, ठीक है, x था 4 मीटर, तो t equals 1 पे मुझे x equals 4 मीटर ऐसी कंडीशन दी हुई है, राइट। वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजिशन दी गई है, मतलब अगर मैं इसमें x की वैल्यू डालता हूँ तो उस पर्टिकुलर x पे मुझे वेलोसिटी आ जाएगी, सही है। अगर मैं कोई पर्टिकुलर x की वैल्यू डालता हूँ तो उस x की पोजिशन पे मेरी वेलोसिटी कितनी है वो, प्लस जब t equals 1 सेकेंड था मेरी x 4 मीटर पे था, ऐसी मुझे कंडीशन दी गई। और हमें बोला गया कि तुम पोजिशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लेके आ जाओ, तो हमने बोला ठीक है, जो मेरा ये चीज़ होती है वेलोसिटी वो होती है dx by dt equals 1/2x, ऐसा दिया हुआ है ना, बस रीअरेंज कर दो, रीअरेंज कर दोगे तो कितना आएगा देखो, 2x dx बराबर 1 dt, ऐसा आ गया। इंटीग्रेशन कर दो, 2x dx बराबर 1 dt, तो कितना आएगा ये, t plus c आएगा ना, ओके इंटीग्रेशन 1 dt। तो इस चीज़ को अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, इसको इधर लिख रहा हूँ, कितना आएगा देखो, ये आएगा x square by 2 equals 1 plus c, राइट, तो t plus c आएगा क्या, t plus c। और हमें कंडीशन क्या दी हुई है, t equals 1 पे मेरा x 4 था, तो t equals 1 डालो, x equals 4 डालो, x equals 4 डालूंगा तो कितना आएगा देखो, 4 square by 2 equals 1 plus c, तो यहाँ से c की वैल्यू निकाल सकते हो क्या, देखो 4 square होता है 16, 16 by 2 8, 8 minus 1 7, c equals 7 आ गया। तो क्या मेरा t और x में रिलेशन आ गया क्या, देखो x square by 2 equals कितना आया, t plus 7, देखो ये मेरा आया पोजीशन और टाइम के रिस्पेक्ट में रिलेशन, तो तुम x को रीअरेंज भी कर सकते हो, जैसे x square equals 2t plus 7 करके स्क्वेयर रूट ले सकते हो, तो मेरा x as a function of t आ गया। तो ऐसे हमर अगर हमें कोई भी कंडीशन दी जाएगी तो क्या हम कर सकते हैं क्या, एक दो एग्जांपल तुम करना चाहोगे करके देखो, चलो बस हमें क्या देना चाहिए, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और कोई एक पर्टिकुलर टाइम पे मुझे पोजीशन की वैल्यू देनी चाहिए, बस इंटीग्रेशन के साथ हम खेल रहे हैं, बस इंटीग्रेशन के साथ खेल रहे हैं, दैट इज फिजिक्स वाली ऐसी कोई डिफिकल्ट बात नहीं है इसमें, है ना। और एक एग्जाम्पल करते हैं, चलो दो तीन एग्जाम्पल देता हूँ मैं, है ना। अगर तुम्हें वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स दी हुई है तो मैं बोलूँगा देखो 1/3x ऐसा कुछ दिया हुआ है, और जब मेरा t इक्वल 0 सेकेंड था तब मेरा x की वैल्यू थी 5, t इक्वल 0 पर मेरा x 5 था, ओके फाइन। और एक एग्जाम्पल दे दिया, चलो इसी को करते हैं पहले, ठीक, इसी को करने की कोशिश करते हैं। तो मुझे क्या बोला गया कि मुझे पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लानी है, x ऑफ t बराबर कितना होगा, राइट, तो मैंने क्या बोला, देखो जो हमारा v होता है, v इट इज dx by dt, राइट, v को मैंने ऐसे लिख दिया, क्या मैं इसको 1/3x लिख सकता हूँ, इसको रीअरेंज करो कितना आएगा, 3x dx equals 1 dt। अब इंटीग्रेशन करो, तो कितना आना चाहिए, यह आएगा 3x square by 2 equals t plus c। हमें कंडीशन क्या दी हुई है, t equals 0 पे मेरा x 5 था, t equals 0 पे मेरा x 5 था, तो t को 0 डालो, x को 5 डालो, तो क्या मेरी c की वैल्यू इतनी आ गई क्या, बस c की वैल्यू को यहां पे पुट कर दो, मेरा x एज अ फंक्शन ऑफ t आ गया, सही है, इजी स्टफ है ना, काफी इजी, नथिंग चैलेंजिंग इसमें, ओके। और एक एग्जांपल करना चाहोगे, और एक एग्जांपल करते हैं, चलो
जितने एग्जाम्पल करो उतने कम है इसमें, है ना। हम कितने भी एग्जाम्पल कर सकते हैं, कितने भी इन्फाइनाइट एग्जाम्पल बना के दे सकता हूं मैं, बस कंसेप्ट पे ध्यान दो, तुम हर टाइप का एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो। ओके, मुझे बोला गया मेरा वी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स दिया गया है ई की पावर एक्स, वी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स दिया गया है वी की पावर एक्स। अब मुझे और मुझे बोला गया कि जब मेरा टी जीरो था तब मेरा एक्स भी जीरो था, जब मेरा टी जीरो था तब मेरा एक्स भी जीरो था। मुझे बताओ कि मेरा एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टी कैसा आएगा, पोजिशन एज अ फंक्शन ऑफ टी ला के दो। हमने बोला ठीक है, वेलोसिटी को हम कैसे लिख सकते हैं, डी एक्स बाय डी टी, वो कितना आ गया ई की पावर एक्स। रीअरेंज कर दो तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा क्या, इंटीग्रल ऐसा बन जाएगा ना। देखो ई की पावर एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, राइट कुछ ऐसा बन जाएगा ना। ओके, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस ई का, इसका इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस वन होगा ना, राइट क्योंकि जो ए आता है ई की पावर ए एक्स का इंटीग्रेशन होता है ई की पावर ए एक्स अपॉन ए, राइट इक्वल्स टी प्लस सी। हमें क्या क्या दिया हुआ है, टी इक्वल जीरो पे मेरा एक्स जीरो था, टी की वैल्यू जीरो डालो एक्स की वैल्यू जीरो डालो तो कितना आएगा, टी इक्वल जीरो तो मेरा सी इक्वल्स कितना आया, देखो ई की पावर माइनस जीरो अपॉन माइनस वन, तो क्या ये माइनस वन आ गया क्या, ई माइनस वन आ गया, राइट सॉरी सी माइनस वन आ गया, इसकी वैल्यू माइनस वन होती है, क्यों ई की पावर माइनस जीरो वन हो गया, ई की पावर जीरो वन होता है ना, अपॉन माइनस वन, वन अपॉन वन माइनस वन, वन अपॉन माइनस वन, वन माइनस वन आ गया। अब सी की वैल्यू इसमें डाल दो, राइट सी की वैल्यू इसमें डाल दो तो मेरा फंक्शन क्या बना, ई की पावर माइनस एक्स इक्वल्स माइनस टी प्लस वन। मैंने क्या कर दिया, ये माइनस वन को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, सही है, इजी स्टफ है ना, कोई चैलेंजिंग बात नहीं है इसमें। तो ऐसा अगर हमें कोई भी फंक्शन दिया जाएगा, अगर वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स दिया जाता है तो हम निकाल सकते हैं, वेलोसिटी अगर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया जाता है तब भी हम निकाल सकते हैं। ओके, थोड़ी सी जनरल बात करूंगा जो आगे हमें प्रॉब्लम्स आने वाली है उसके ऊपर। देखो मैंने तुम्हें क्या बोला था कि इस चैप्टर से कौन सी चार चीजों का नॉलेज लेके जाना है, कौन सी चार चीजों का नॉलेज लेके जाना है, पोजिशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम, राइट हमें इन चीजों के साथ डील करना चाहिए। कौन सी चार चीजें बोली थी मैंने, इसको हटा दो है ना, ये बस जनरल ज्ञान है कि आगे हम क्या चीजें सीखने वाले हैं, आगे हमारे लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होने वाली है। ओके, जनरल ज्ञान दे रहा हूं, बाकी कुछ देखो मैंने बोला था कि इस चैप्टर में चार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पोजिशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम। तो एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर हमें एक्सेलरेशन है ना, देखो सबसे पहले हमें वेलोसिटी दो फॉर्म में रिप्रेजेंट करनी है आनी चाहिए। वेलोसिटी को तुम एज अ फंक्शन ऑफ पोजिशन भी लिख सकते हो और फंक्शन ऑफ टाइम भी लिख सकते हो। मतलब जब हम ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे तब तुम देखोगे हम वेलोसिटी को एज अ फंक्शन, पोजीशन का भी फंक्शन लिख सकते हैं और टाइम का भी फंक्शन में लिख सकते हैं, राइट इनके ग्राफ्स वगैरह हम बहुत सारी चीजें देखने वाले। दूसरी चीज में जो पोजीशन है, पोजीशन, राइट मैं उसको फंक्शन ऑफ टाइम में लिख सकता हूं, हमने देखा हुआ है ना x of t जो होता है वो। तीसरी चीज मैं एक्सेलरेशन को तीनों टर्म्स में लिख सकता हूं, फर्स्ट फंक्शन ऑफ टाइम भी लिख सकता हूं, फंक्शन ऑफ पोजीशन भी लिख सकता हूं और फंक्शन ऑफ वेलोसिटी भी लिख सकता हूं। तो याद रखना ये चीजें इन फॉर्म्स में लिखी जा सकती है। मेरा पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिखा जा सकता है, मेरी वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन दी जा सकती है या टाइम दी जा सकती है, जो टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स हम देखेंगे। और एक्सेलरेशन हमें फंक्शन ऑफ टाइम, फंक्शन ऑफ पोजीशन या फंक्शन ऑफ वेलोसिटी दिया जा सकता है। अभी अगर ये चीजें समझ में नहीं आ रही तो बस नोटबुक में कहीं लिख के रख दो कि हम इन इन टाइप के जो कैलकुलस के आते हैं ना, कैलकुलस के प्रॉब्लम, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ये इन्हीं टाइप के प्रॉब्लम्स होंगे जो थोड़े से परेशान करेंगे।
अगर तुम्हें ये छह टाइप के इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन करना आता है तो समझ लेना तुम्हारा काइनेमेटिक्स बहुत मक्खन की तरह बीतेगा फिर, है ना। तुम्हें टाइम, पोजिशन, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का काफी अच्छा नॉलेज है। कौन से? ये सिक्स केसेस तुम्हें अच्छे से इवैल्यूएट करना आना चाहिए। मैं लेक्चर के एंड में, काइनेमेटिक्स के एंड में फिर से एक बार रिवाइज कराऊंगा कि ये छह केसेस का रिलेशन कैसे होता है, एग्जांपल दे दे के बताऊंगा। लेकिन एक्सपेक्टेशंस क्या होनी चाहिए, हमें इन छह केसेस का प्रॉपर इवैल्यूएशन करना आना चाहिए। कैसे? मैं पोजिशन को एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिख सकूं, हमने देखा है ये वाली चीज, हमने देखी है, राइट। क्या हमने वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम देख लिया गया? ये वाला हमने देख लिया क्या? आज ही देखा ना, जो सबसे पहला पोर्शन था। फिर हमने देखा वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजिशन कैसे लिखी जा सकती है, कि पर्टिकुलर पोजिशन पे मुझे अगर वेलोसिटी दी जाती है तो मैं पोजिशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ला सकता हूँ, राइट। ये चीज अगर दी होगी तो मैं इससे ये ला सकता हूं, राइट, मैं इससे ये चीज ला सकता हूं, ओके, सही है। बाद में हम देखेंगे कि हम एक्सेलरेशन को फंक्शन ऑफ टाइम, फंक्शन ऑफ पोजिशन और फंक्शन ऑफ वेलोसिटी लिख सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर से हम एक्सेलरेशन चालू कर रहे हैं, तो नेक्स्ट टू लेक्चर हम एक्सेलरेशन पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, ओके। तो क्या है, हमें ये छह केसेस, राइट, ये छह केसेस अच्छे से इवैल्यूएट करनी आनी चाहिए। ये छह केसेस अगर तुम्हें अच्छे से आती है तो हम बोलेंगे तुम्हें जो कैलकुलस वाला पार्ट है या काइनेमेटिक्स इन जनरल तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आता है। ये छह चीजें प्लस स्केलर्स एंड वेक्टर्स पूरा काइनेमेटिक्स कवर कर देती है। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि फिजिक्स में ज्यादा याद करने की चीजें नहीं होती है, बस पर्टिकुलर कंसेप्ट है, थोड़े से मैथ के साथ इंटीग्रेट करके दिए जाते हैं। थोड़ा सा फिजिक्स प्लस थोड़ा सा मैथ्स पूरा जेई और पूरा नीट कवर कर लेता है, ओके, सही है। तो जब भी तुम पढ़ रहे होंगे अच्छे से पढ़ना, और ये कहीं पे तो भी अभी कॉपी में लिख के रख दो कि हम वेलोसिटी को फंक्शन ऑफ पोजीशन लिखना आना चाहिए, वेलोसिटी को फंक्शन ऑफ टाइम लिखना आना चाहिए, पोजीशन को फंक्शन ऑफ टाइम लिखना आना चाहिए, एक्सेलरेशन को फंक्शन ऑफ टाइम, फंक्शन ऑफ पोजीशन और फंक्शन ऑफ वेलोसिटी हम लिख सकते हैं, ओके। अगर ये चीजें तुम्हें, छह चीजें आ जाती है तो बोलो काइनेमेटिक्स तुम्हारा मक्खन की तरह बिक जाएगा, सही है। नेक्स्ट लेक्चर में एक्सेलरेशन की बातें करेंगे। आई होप अब तुम्हें पोजिशन और वेलोसिटी इन दोनों में कोई भी डाउट नहीं होगा, सही है। पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो स्पीड होता है। अब तक बस इतनी चीजें याद रखो, और जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के फॉर्मूले बोले उसको याद रखने की कोशिश करो, ओके। चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय बाय।